राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में कोटा महानगर के समीप कलकल बहती चंबल नदी के पावन तट पर स्थित है अतिशय क्षेत्र केशोराय पाटन। यहाँ तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चतुर्थकालीन प्रतिमा विराजमान है। जनश्रुति है कि प्रतिमा के प्रतिष्ठापन के समय देवों ने जयकारों के साथ पुष्प एवं केसर की वृष्टि की थी। गुप्तकालीन 12 खम्भों की कलापूर्ण गुम्बज युक्त क्षेत्रपाल बाबा की छतरी के पास ही भूगर्भ में जाने का मार्ग है। इसके नीचे आवा शैली का तिलस्मी मोहरा है जिसे मुई देवरा भी कहते हैं। यहीं पर विराजित है मूल नायक श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की लगभग 2500 वर्ष प्राचीन मुंगिया पाषाण से निर्मित 4.5 फुट अवगाहना वाली पद्मासन प्रतिमा। शनि अमावस्या के दिन यहाँ पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति के साथ ग्रह भी शांत हो जाते हैं। इसी कारण सैकड़ों भक्त शनि ग्रह के निवारण हेतु भगवान से मनोतियाँ मांगते हैं। प्रतिवर्ष वैशाख सुदी नवमी एवं दसवीं को यहाँ वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। तीर्थ पर साधुओं के आवास एवं आहार के साथ दर्शनार्थियों के ठहरने हेतु 36 कमरों की धर्मशाला एवं भोजनशाला की समुचित व्यवस्था है। जैन संस्कृति के प्रतीक इस तीर्थ के विकास हेतु विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं में आप सभी सहभागी बन जीवन धन्य बनाए। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स प्रबंध कार्यकारिणी समिति श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र केशोराय पाटन पंजाब नेशनल बैंक शाखा केशोराय पाटन खाता क्रमांक 4475001001323 IFSC कोड PUNB 044750 कैनरा बैंक शाखा केशोराय पाटन खाता क्रमांक 3558214000005 IFSC कोड CNRB 0003558 संपर्क सूत्र 9351996323 श्रीमते पवित्र तर जलेन जिन्म विसिचामिति स्वाहा। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं बं हं शं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खण्डय खण्डय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झं झ्वीं छ्वीं हं सं झं मं हाया सा छां छीं छूं छें छैं छों छों छं छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रैं ह्रों ह्रों हं ह्रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ठाठा अस्माकं श्री सौधर्मेन्द्र कलशकर्ता श्रीमान अशोक जी अमित जी राहुल जी जैन समस्त परिवार नागौर निवासी प्रथम शांति धारा कर्ता श्रीमान अशोक जी अमित जी राहुल जी जैन नागौर निवासी से परिवार से मन श्री स्वर्गीय श्रीमती गोशरबाई जी धर्मपत्नी श्रीमान भवनलाल जी सेठी बारा निवासी जी की पुण्यस्मृति में डॉक्टर श्रीमान कैलाश चंद जी सेठी डॉक्टर सिद्धार्थ जी रूपल जी अर्जव जी अनय जी जैन समस्त परिवार से श्रीमान परेश जी जैन कनकमल जी जैन चंदूलाल जी जैन संधवा मुंबई निवासी से परिवार से मासिक शांति धारा पुण्यार्जक श्रीमान कैलाश चंदी राजकुमारी जी मनीष जी अंतिमा जी आशीष जी अविका जी अक्षय जी बाकलीवाल तालेड़ा वाले कोटा निवासी कैलाश चंदी के स्वास्थ्य लाभ हेतु से परिवार से श्रीमान महावीर प्रसाद जी लाड देवी जी ललित जी सारिका जी कमल जी रजनी जी नवीन जी स्वाति जी विनीत जी दीक्षा जी दिया जी विशुद्धि जी भाविक जी किंसू जी देशना जी अग्नि जी आर्या जी लोहाड़िया तलमंडी कोटा निवासी से परिवार से श्रीमान पारस चंद जी दिनेश कुमार जी जम्मू कुमार जी मनोज कुमार जी अर्जव जी अर्थव जी सीता जी अंतड़ा वाले तालेड़ा निवासी से परिवार से श्रीमान रवि जी माला जी धारवी जी जयपुर निवासी स्वास्थ्य लाभ्यर्थम से परिवार से उपस्थित सर्वजनानाम से परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज केशवराय पाटन से परिवार से समस्त प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी तीक्षित केशवराय पाटन से परिवार से श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं श्री शांति धारा कर्ता कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्ननिवारणार्थम श्रीमद् सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति धारा कर्ता श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री वलायुर आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि रस्तु सद्धर्म स्वयस्य परस्यस्य वर्गा प्रसीदंतुना। ओम भ्रीम श्री विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशतरंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगलनामधेया। अस्माकं श्री शांति धारा कर्ता यह मूत्र च सिद्धिं तन्मन्तु सद्धर्म कार्येषु यह मूत्र च सिद्धिं प्रक्षन्तु न।
ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वशंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठे परम पवित्राय सम्यक् ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोकवशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत्फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपर्ग विनाशनाय घाती क्रम छयंकराय अजराय अवराय असमाकम श्री शांतिधाराकर्ता उपस्थित सर्वधर्मनाम सकल दिगंबर जैन समाजस्य व्याधीं ग्रंतु व्याधीं श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादाद समाकम श्री शांति धारा कर्ता सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रशिक्षणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत शत्रुपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रम ह्रा असी औषा नमा मम सर्विघ्न शांतिम कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिम कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखप्लैद्रघत्त सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम रूपम मुनित्वा तनुच्छकीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम शमद्धिम प्रथतो तृणस्फुरदुच्च प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतो जगता मुत्तिमाम शांति धारा शांति धारा शांति धारा। पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्यता पोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम। ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहार मध्ये छत्रत्रयम् स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहार मध्ये चम्रद्वयम् स्थापयामि। ओम ह्रीं शिवशिकान्ते वृषभादि वीरान्ते भ्यो नमः शांतिधारा उपरान्ते भगवान के पंच कल्याण के भ्यो नमः जलाधि अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं से मूलनाय के खजराट श्री मुनि सुब्रतना जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री जिनमुखोद्भूत सरस्वती देव्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रूं श्री इक्ष्वाकु संत श्रोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रां मुनि श्री इक्ष्वाकु सुधासागर जी मुनीन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। आरिति मुनि सुब्रत स्वामी बीसवे तीर्थंकर नामी धन्य बैसाख बदी दशमी धन्य धन्य पद्मा मा जननी कोक से जन में अवतारी तेरे चरणों पर बलिहारी झुके नर नार मची जयकार बने मुक्ति पथ अनुगामी। आरति मुनि सुब्रत स्वामी बीसवे तीर्थं। मैं राहुल जैन नागौर से आज यहाँ पे अभिषेक शांति धारा का सौभाग्य मिला। यहाँ के दर्शन करके शांति धारा अभिषेक करके मन को बहुत प्रसन्नित हुआ, हर्षोल्लास हो गया आज। मैं जय जिनेन्द्र। मैं अक्षय जैन कोटा से आज शांति धारा अभिषेक करके मुझे मन को बहुत पसंद मिली। जय जिनेन्द्र।